हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एजुकेशन। माय नेम इज़ अरुण सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारा ये सेशन लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को चोपड़ा एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नीचे दिए गए डिस्प्ले वाले नंबर्स पे कॉल करके कोई भी क्वेरी है तो उसका आंसर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार मैं अपना वर्ल्ड मैप दिखा देना चाहता हूँ। आज के आप हमारी इस दुनिया में देख सकते हैं कि हमारी दुनिया में दो ही चीज़ें दिख रही होंगी आपको, एक तो वाटर और एक लैंड। जो लैंड है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है, और जो बाकी हमारा वाटर मास बचता है उसको हम बोलते हैं ओशन। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे हमारे पास पूरी अर्थ पे इस टाइम 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर ऊपर इसके यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे हमारा साउथ अमेरिका, और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया, और इधर हमारा लास्ट वाला अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे ये वाला जो हमारा ओशन है, ये वाला ओशन हमारा जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, ये हमारा अटलांटिक ओशन। इक्वेटर से ऊपर हमारा ये इक्वेटर से ऊपर है, ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर से ऊपर हमारा नॉर्थ अटलांटिक और इक्वेटर से नीचे हमारा साउथ अटलांटिक, और यहाँ पे हमारा इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, और उसके बाद में हमारा इंडिया के साथ और इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच पैसिफिक ओशन। तो आपके मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये जो आपको मैं बता रहा हूँ हमारे कॉन्टिनेंट और हमारे ओशन, ये हमको पहले से ही मिले हैं, मतलब पहले से ही ऐसे बने हुए थे जब अर्थ बनी है, या ये बाद में धीरे धीरे बनना शुरू हुए हैं। इसी का आंसर हमें ये थ्योरी दे रही है। ये थ्योरी हमें क्या बता रही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। ये देखिए, ये थ्योरी हमें बोलती है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये हमें बोल रही है कि जो आज का, ये देखिए ये हमारा आज का प्रेजेंट है कॉन्टिनेंट, जो हमारे कैसे दिख रहे हैं, और ये हमारे आज से 225 मिलियन ईयर होगा हमारे कॉन्टिनेंट कैसे दिख रहे हैं। तो ये थ्योरी, चलिए मैं आपको पहले बताऊँ ये थ्योरी हमें दी किसने। तो ये जो हिस्ट्री है इसकी साइंस है, अब्राहम ऑर्टेलियस एक डच मैप मार्कर था, उसने ये पॉसिबिलिटी दी थी। क्या पॉसिबिलिटी दी थी कि मतलब आज से बहुत टाइम पहले ये जो हमारे आज के प्रेजेंट है कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे जो आप देख पा रहे हो, ये सारे किसी टाइम पे एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। समझ रहे हो आप, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब कि ये सभी कॉन्टिनेंट पूरे एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था बहुत बड़ा, जिसका नाम क्या था, पेंजिया, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये नॉर्थ में ऊपर और इधर साउथ में नीचे, ये दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया। जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका नाम लॉरेशिया, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसका नाम गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर जैसे जैसे और टाइम बीतता गया, ये ऊपर वाला जो हमारा लॉरेशिया था, ये भी दो पार्ट्स में टूट गया, एक नॉर्थ अमेरिका और एक एशिया और यूरोप, और हमारा जो नीचे वाला गोंडवाना लैंड था वो भी हमारा दो में टूट गया, एक अफ्रीका और एक हमारा साउथ अमेरिका, और साथ में हमारा इंडिया भी गोंडवाना लैंड में से टूट के एशिया के साथ यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ। आप प्रेजेंट देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूट के इंडिया जाके एशिया में जाके अटैच हुआ है। यहाँ पे हमारे जो माउंटेन बने हैं, फोल्ड माउंटेन, हिमालय माउंटेन, वो इसी वजह से बने हैं क्योंकि वहाँ पे दो कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज हुए, ठीक है। तो ये हमारी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो अब्राहम ऑर्टेलियस था उसने ये पॉसिबिलिटी बताई थी। उसने पॉसिबिलिटी कब बताई थी, ये 1596 में उसने कहा था कि डच मैप मार्कर था कि आज से बहुत टाइम पहले ऐसा हो सकता है कि मतलब जो आज के हमारे प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट हैं, ये हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट थे, ठीक है। उसके बाद हमारे आए एक और ज्योग्राफर आए, जिनका नाम क्या था, एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने हमारे सारे कॉन्टिनेंट थे उनको टुगेदर ड्रॉ किया था कि आज के जो कॉन्टिनेंट हैं ये आज से 225 मिलियन ईयर कैसे थे। अब मेन आते हैं, हमारी जो थ्योरी देने वाले बंदे का नाम है वो है अल्फर्ड वैगनर, और ये हमारा एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है, ठीक है, जिसने ये थ्योरी दी है। कब दी थी ये थ्योरी इसने, टाइम क्या था, उस थ्योरी की टाइमिंग क्या थी, 1912 में ये थ्योरी दी, और इसने इसके फेवर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है। उन हम सब आर्ग्यूमेंट्स के पहले पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैगनर ये क्या कह रहा है कि जो, आप पीछे चलिए थोड़ा, कि आज से बहुत टाइम पहले ये जो हमारे आज के प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट हैं, ये सारे एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था, पेंजिया, ठीक है।
और जो पूरा लास्ट मतलब ये पूरा वाटर है अराउंड, इसके सारा वाटर ही वाटर है, मतलब एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, तो उसको इसने क्या नाम बोला, जो लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया, और जो लार्ज मेगा ओशन था जहाँ वाटर ही वाटर था मीन्स ऑल वाटर, उसका नाम था पांथा लासा। तो ये हमें एल्फर्ड वैगनर ने कहा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि वैगनर ने जो कहा था 200 मिलियन ईयर को सुपर कॉन्टिनेंट था, तो इसके बाद उसने बोला कि ये सुपर कॉन्टिनेंट छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में टूटना शुरू हो गया, ऊपर लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड, फिर ये गोंडवाना, आगे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में टूट गया जो हमारे प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, ये सारा आप इस स्लाइड से, आप जो भी मैंने बताया आपको सारा आप रीड कर सकते हैं। और देखो उसने बता तो दिया, अब उसको प्रूफ भी तो करना था ना कि ये सारे कॉन्टिनेंट टूटे कैसे, तो उसको कुछ एविडेंस भी देने थे इसके सपोर्ट में कि ये सारे कॉन्टिनेंट टूटे कैसे। तो उसका जो सबसे पहला एविडेंस था कि एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो उसका सबसे पहला एविडेंस है वो है हमारा जिग्सॉ फिटिंग ऑफ ऑल दी कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। देखिए आपको पीछे में लेके चलता हूँ, आप ये वाला मैप देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये साउथ अमेरिका को देखिए, साउथ अमेरिका आप देख पा रहे हो कि इसकी बाउंड्री को देखिए, और इसको आप पूरा यहाँ पे फिट करके देखिए कि ये यहाँ पे पूरा फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब आप उसी तरह मडगास्कर को ले लीजिए, मडगास्कर की बाउंड्री देखिए, और ये मडगास्कर पूरा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो उसने हमें कहा कि अगर हम एक हाई स्पीड कंप्यूटर में इन सभी कॉन्टिनेंट्स की डायमेंशन को डाल के इनकी पजल सॉल्व करें तो ये प्रॉपरली फिट बैठ रहे हैं आपस में, जैसे एक पजल होता है ना उसको तोड़ दें तो उसको बाद में जोड़ें तो पूरा प्रॉपरली फिट बैठता है, ऐसे ही जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये सारे आपस में पूरे प्रॉपरली फिट बैठ रहे हैं। तो ये उसका पहला एविडेंस है जो उसने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए दिया है। आगे चले हम, ठीक है, अब देखो शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव ए रिमार्केबल मैच, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को हम इकट्ठे जोड़ेंगे तो वो दोनों पूरे बिल्कुल प्रॉपरली फिट बैठ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो अगला पॉइंट भी यही है, ये मतलब ये सारे जो उसने प्रूफ दिए ये मतलब क्विट परफेक्ट थे, तो इसलिए हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो थ्योरी इसने दी है। अगला चलते हैं, और देखिए जो रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशंस, ये जो ओशंस थे, ओशन की जो कोस्ट लाइन है, जैसे हमारा आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारे रॉक्स मिलेंगे इस रीजन में, और जो हमें इस रीजन में रॉक्स मिलेंगे, उन दोनों रॉक्स की जो एज थी वो अप्रॉक्सीमेट सेम थी। इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत टाइम पहले ये दो मतलब दोनों शोर लाइन के जो रॉक्स हैं वो इकट्ठी बने होंगे। ठीक है, और देखिए जो आपको यहाँ पे रॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे रॉक्स देखने को मिलेंगे और जो यहाँ के रॉक्स देखने को मिलेंगे, उन दोनों की एज में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो और यहाँ वाले जो रॉक्स और यहाँ वाले जो रॉक्स उनकी एजेस सेम थी, ये उसका दूसरा एविडेंस था। ठीक है, और जो ब्राज़ील का कोस्ट है, ब्राज़ील का कोस्ट आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो ब्राज़ील के कोस्ट पे हमें रॉक्स मिली हैं और जो अफ्रीका के कोस्ट पे हमें रॉक्स मिली हैं, उन दोनों की एज अप्रॉक्सीमेट सेम है, वो कितनी है 2000 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें वहाँ पे डिपॉजिट मिला है दोनों के कोस्ट पे, वो हमारा कौन सी एज का है, जुरैसिक एज का है, मतलब दोनों की जो मैरीन डिपॉजिट है वो भी उनकी भी एज सेम है। तो इसका मतलब यही है ना कि किसी टाइम पे वो जो बड़े बड़े दोनों कॉन्टिनेंट है वो इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो जब ये दोनों ही कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे तो इनके बीच में कोई ओशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब ये पेंजिया था टूटने से पहले तो इनके बीच में कोई ओशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये जैसे जैसे टूटना शुरू हुए इनके बीच में से पानी आने लग गया और ओशन बन गए। ठीक है, और अगला हमारा जो इसके फेवर में पॉइंट दिया हुआ उसने, पालसर डिपॉजिट। पालसर डिपॉजिट क्या होती है, ये मतलब ना आप समझ सकते हो ये ओर्स होती हैं जिनमें से गोल्ड की ओर्स होती हैं जिसमें से हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हमारे, हमें सिर्फ गोल्ड की डिपॉजिट इस रीजन में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें गोल्ड नहीं देखने को मिल रहा, और हमें साउथ अमेरिका में यहाँ गोल्ड देखने को मिल रहा पर गोल्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि ये टाइम पे ये इकट्ठे थे तो यहाँ पे जो गोल्ड प्रेजेंट है दोनों के बीच में वो पर्ल्स डिपॉजिट की फॉर्म में आज भी हमें वहां पे मिल रहा है।
है। अब ये आप यहाँ पे ले पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो गोल्ड वेयरिंग वेन्स आर इन ब्राजील एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द गाना आर ड्राइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, कि जो दोनों के कोस्ट पे जो गोल्ड का डिपॉजिट था वो सब इकट्ठे ही थे, ठीक है, जब वो दोनों कॉन्टिनेंट आज से बहुत टाइम पहले इकट्ठे हुआ करते थे। और अगला जो हमारा एविडेंस उसके सपोर्ट में पॉइंट दे रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल आप समझते हो ना, कि एक लेमूर है वो हमारे इंडिया में भी मिलता है और वो हमारे मडगास्कर में भी मिलता है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे देखिए ये हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड से टूट के आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो फॉसिल्स है वो फॉसिल हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, बट जब इंडिया यहाँ पे एशिया के साथ अटैच हो गया तो फॉसिल हमें सिर्फ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, पर वो फॉसिल हमें एशिया में देखने को नहीं मिल रहे कहीं पे भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ की डाइवर्सिटी जो बिल्कुल अलग थी यहाँ की डाइवर्सिटी से, ये अफ्रीका के साथ अटैच था, यहाँ पे जो फॉसिल है वो हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे पर इंडिया के बाहर वो एशिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक एविडेंस देता है ये थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हमारा एक मीजोसॉर नाम का एक छोटा सा हमारा रेप्टाइल है मीजोसॉर, ये सिर्फ हमें मतलब ये शेलो ब्रेकिंग वाटर में रहता है, मतलब खारे पानी में रहने वाला जानवर है ये। इसका स्केल्टन हमें सिर्फ दो ही जगह पे मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा वो साउथर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका और दूसरा ब्राजील में, मतलब कि जो साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है वो दोनों इकट्ठे थे एक टाइम पे, तभी तो हमें दो जगह पे मिल रहा है देखने को, ठीक है, वो दोनों जब इकट्ठे थे तो हमें वहां पे देखने को मिलता था, बट अब दोनों दूर अलग अलग हो गए हैं तो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। पर आज देखिए आज ये दोनों अपने से एक दूसरे से ये दोनों आज जो इकट्ठे हुआ करते थे इतनी दूरी पे हैं, 4,800 किलोमीटर दूर। अब ये तो हमारे सारे एविडेंस हो गए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में, ठीक है। तो अब उसने जो एल्फर्ड वैगनर है उसने हमें ये भी बताया कि इनके पीछे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी इन थ्योरी के पीछे, तो हमने वो फोर्सेस पढ़नी है, वी फोर्सेस विच आर कॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग, मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। उसने सिर्फ दो फोर्सेस बताई हमें कि जो इस थ्योरी के पूरे एकदम सही प्रूव कर पा रही थी। हमारी सबसे पहली फोर्स का नाम है पोलर फ्लिंग फोर्स, ठीक है, ये कब लगती है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से लगती है। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने अर्थ की शेप देखी होगी, पीछे आपको मैं अर्थ की शेप दिखा देता हूँ। जो अर्थ है ना अब पोल्स पे देख सकते हो, पोल्स पे ये थोड़ी सी बल्क है और इक्वेटर पे थोड़ी सी बाहर निकली हुई है रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से वो फोर्स लग रही है वो हमारी पोल फ्लिंग फोर्स है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉज है कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने का। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड फोर्स है वो हमारी टाइडल फोर्स है, टाइडल फोर्स हमारी किसकी वजह से लग रही है, ये अट्रैक्शन मून और सन जो अर्थ के ऊपर अट्रैक्शन लगाते हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रही है अर्थ के ऊपर वो टाइडल फोर्स है। मतलब कॉन्टिनेंट के स्प्लिट होने के मेन दो फोर्सेज है, एक तो पोल फ्लिंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस है जिनकी वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे ब्रेक होके दूर दूर जा रहे हैं आपस में। और इससे पहले जितनी भी थ्योरीज थी उन सभी जो स्कॉलर थे उन्होंने सभी ने जो हमारी ये फोर्सेस थी इनको टोटली इनएडिक्वेट बोला था, इनको मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था कि ऐसी कोई फोर्स लगती भी है, बट बाद में वैगनर ने पॉइंट देके इनको गलत प्रूव कर दिया कि ये इन फोर्सेस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कॉन्टिनेंट्स को बनाने में। देखिए अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एल्फर्ड वैगनर ने बता तो दिया कि हाँ ये कॉन्टिनेंट पहले एक था फिर टूट के अलग अलग बने दूर दूर गए, मतलब ऐसे हुआ, उसने सब कुछ रीजन बता दिया, पर वो उसने ये रीजन नहीं बताया कि ये कॉन्टिनेंट टूट क्यों रहे हैं, ये रीजन उसने नहीं बताया कि कॉन्टिनेंट टूट क्यों रहे हैं। तो ये रीजन हमें बताया अगली एक थ्योरी थी हमारी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, अगली हमारी थ्योरी का नाम था ओशन या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी हमें दी थी, यहाँ पे आप देखिए ये थ्योरी हमें दी थी हैस ने, ठीक है, 1961 में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये देखिए ये हमारी सबसे पहले ऊपर ये हमारी क्या है, ये हमारा क्रस्ट है,
ठीक है, हमारा पूरा क्रस्ट है। तो इसके नीचे हमारा क्या है, एसिनोस्फीयर है। ये सारा हमारा, ये जितना भी एसिनोस्फीयर है, एसिनोस्फीयर में जब सेस्मिक एक्टिविटी होगी तो वहाँ से जब एनर्जी रिलीज होगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पहले पूरी एक प्लेट थी, यहाँ से मैग्मा बाहर को रिलीज हो रहा है, तो प्लेट में क्या आ रहा है, क्रैक आ रहा है एक। तो ये जो हमारी प्लेट थी, या ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल जो भी प्लेट थी, वो आपस में टूटना शुरू हो गई। टूटना शुरू हुई तो ये यहाँ का जो कन्वेंशन करंट था एसिनोस्फीयर का, यहाँ से लावा बाहर जा रहा है और इधर का जो लावा है वो उधर को जा रहा है, और यहाँ का जो लावा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके ऊपर जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट आप देखिए, ये प्लेट, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, ये दोनों प्लेट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी ना, और यहाँ पे हमारे वोल्केनोस बनेंगे। तो ये वोल्केनो भी दूर दूर जाएंगे जब धीरे धीरे होगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट होगा या कुछ भी होगा, वो भी धीरे धीरे इधर को मूव करेगा कॉन्टिनेंट के साथ साथ ही। तो ये हमारी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा आप और क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये देखिए कैसे यहाँ पे जो नीचे एसिनोस्फीयर है, इसमें से लावा सारा बाहर जा रहा है, और ये प्लेट्स ये इधर को जा रही है, और ये वाली लिथोस्फीयर की प्लेट इधर को जा रही है। अब यहाँ पे जो चीज़ होगी वो इसके साथ साथ मूव करती जाएगी, मतलब इसके ऊपर चाहे ओशन होगा चाहे कॉन्टिनेंट होगा, वो भी दूर दूर मूव करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और जहाँ पर ये दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती है, एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से, इधर वाली कौन सी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इधर वाली जो ओशन के नीचे है वो कौन सी क्रस्ट है, वो ओशनिक क्रस्ट है। जब ये दोनों क्रस्ट आपस में कन्वर्ज होंगी तो यहाँ पे ये एक बनेगा सबडक्शन जोन, समझ रहे हो? यहाँ से जितना यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा, ये बनेगा हमारा डाइवर्जेंट जोन, कि यहाँ पे प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं आपस में, तो यहाँ पे प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, ये हमारा डाइवर्जिंग जोन। जहाँ पे प्लेट्स दो आपस में नज़दीक आ रही हैं, यहाँ पे सबडक्शन जोन। और जो हमारा डाइवर्जेंट जोन है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। ये रिजेस क्या है, समुद्र के अंदर छोटे छोटे ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, इनको हम ऐसे रिजेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है रिजेस की, और जहाँ पे प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे प्लेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। समझ रहे मेरी बात को आप? ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो हमारी है डाइवर्जिंग बाउंड्रीज और एक हमारी है कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, मतलब डाइवर्जिंग प्लेट्स और कन्वर्जिंग प्लेट्स, ठीक है। दो प्लेट्स जहाँ दूर दूर जाएंगी तो वो डाइवर्जिंग बाउंड्रीज, जहाँ दो प्लेट्स नियर बाय आएंगी तो वो हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, इसी की वजह से हमारे सारे कॉन्टिनेंट जो आज हैं, देख पा रहे हैं आप, इसमें टूटने शुरू हुए, क्योंकि इनके नीचे से एनर्जी रिलीज हुई तो ये इसमें क्रैक आया, क्रैक आने की वजह से एसिनोस्फीयर के साथ साथ ये दूर दूर मूव करने लग गए, ठीक है। और अगली हमारी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि ये जो कॉन्टिनेंट टूटे, पहले एक सुपर एक बड़ी प्लेट थी, मतलब एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, बड़ी प्लेट थी, और वो जब छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगी तो वो प्लेट्स उसमें से निकलने लगी। अब देखिए आप एक बड़ा लीजिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये टूट दिया, ये एक प्लेट बन गई, ये एक प्लेट बन गई, पहले ये पूरी एक प्लेट थी, अब ये टूट गई, अलग अलग प्लेटें इसमें से निकल रही हैं। तो ऐसे ही हमारे पास दो तरह के प्लेट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ पे हैं। अगर वो समुद्र के नीचे हैं, ओशन के नीचे हैं, तो वो हमारी कौन सी हैं, ओशनिक प्लेट हैं। अब इसमें देखिए ये हमारी कौन सी प्लेट है, ये देख रहे हो, ये हमारा सारा पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट मतलब कि यहाँ पे सारा समुद्र है, समुद्र के नीचे जो प्लेट है वो हमारी ओशनिक प्लेट है, और जो हमारी लैंड के नीचे प्लेट है वो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। ये तो होगा कि प्लेट का नेचर कैसा है, वो ओशनिक है कि वो कॉन्टिनेंटल है। तो अब हम उनके साइज़ के बेसिस पे बात करते हैं कि प्लेट का साइज अगर छोटे साइज की है तो वो माइनर प्लेट है, अगर वो बड़े साइज की है तो वो मेजर प्लेट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि ए बी सी डी करके प्लेट्स के नाम लिखे होते हैं, विच वन ऑफ देम इज माइनर प्लेट या विच वन ऑफ देम इज मेजर प्लेट। तो सबसे पहले आप मेजर प्लेट्स के नाम लिख लीजिए, जो हमारी मेजर प्लेट है सबसे पहले अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट ये जो नीचे वाली है, नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे अंटार्कटिका पूरा कॉन्टिनेंट है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कि इसके ऊपर कॉन्टिनेंट पड़ा है। और अगली हमारी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब देखिए नॉर्थ अमेरिकन जो हमारी प्लेट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी मेजर पार्ट जो कवर कर रहा है वो कॉन्टिनेंट कवर कर रहा है, ठीक है।
अब अगली है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। देखिए ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, ये भी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इसमें ओशन भी थोड़ा सा है, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लस ओशनिक दोनों प्लेट है ये। और उसके बाद आती है हमारी अफ्रीकन प्लेट, ये भी मेजर प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल और इसमें वाटर भी है, दोनों प्लेट्स हैं। तो देखिए हमारी जैसे पैसिफिक प्लेट है, ये भी हमारी मेजर प्लेट है, पर इसमें क्या है, ये सारी की सारी पैसिफिक प्लेट आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी पैसिफिक प्लेट है, ये हमारी ओशनिक प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये हमारी, ये हमारी ओशनिक प्लेट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी थी मेजर प्लेट्स। और लास्ट वाली हमारी प्लेट है कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब कि अपना इंडिया है ना, जो यहाँ पे माउंटेन देख रहे हो, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया हमारा किसी टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, पर आज देखिए आज इंडिया हमारा गोंडवाना से टूट के ये हमारी इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट में न्यूजीलैंड भी हमारे इसी प्लेट के अंदर में आता है, मतलब कि इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इंडिया हमारी कौन सी प्लेट का पार्ट है, तो वो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट का पार्ट है, वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट नहीं है। और हमारी यूरेशियन प्लेट है ये भी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हमारी सारी साइज के बेसिस पे थी मेजर प्लेट्स। अब आपको मैं कुछ माइनर प्लेट्स के नाम बताऊंगा। सबसे पहले हमारी माइनर प्लेट होती है कि जो छोटी साइज की प्लेट्स होती हैं, मतलब एक बड़ी प्लेट और उसके बीच में छोटी प्लेट एक आ जाए। जैसे ये देखिए आप फिलीपींस प्लेट देख रहे हैं, ये पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये देख रहे हैं छोटी सी प्लेट एक, इसका नाम है फिलीपींस प्लेट। और उसके बाद हमारी एक छोटी प्लेट जो माइनर प्लेट है हमारी कोकोस प्लेट, ये हमारी क्या है, मैक्सिको के वेस्ट में एक छोटी सी प्लेट है कोकोस प्लेट, और साउथ अमेरिका के वेस्ट में एक छोटी सी प्लेट है उसका नाम है नजाका प्लेट। ठीक है, और एक हमारी ये भी छोटी सी प्लेट है अरेबियन प्लेट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तीन प्लेट्स के नाम लिखे थे, चौथी प्लेट ये वाली थी, और इनमें से पूछा गया था विच वन ऑफ देम इज माइनर प्लेट, तो उसका आंसर था अरेबियन प्लेट है जो माइनर प्लेट है। ठीक है, प्लेट्स के बारे में आपका होगा क्लियर सारा, ये स्लाइड दी हुई, इसमें आप सारी प्लेट्स पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेट्स कहाँ कहाँ पे है। जैसे कोकोस प्लेट है बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, देखिए यहाँ पे कोकोस प्लेट देख लिया आपने, कोकोस प्लेट ये रही, ये पैसिफिक प्लेट है और ये कौन सी है, सेंट्रल अमेरिका, इसके बीच में जो प्लेट है ये हमारी कोकोस प्लेट, देख रहे हो आप लोग। इसको रीज कर लेते हैं सारा पीछे, आप ये सारी हैं जो प्लेट्स, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, पेपर में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आ जाता होता है। और उसके बाद में लास्ट में आपको मैं इंडिया दिखाता हूँ कि देखिए इंडिया आज से हमारा जो आपको मैंने पहले बताया था कि गोंडवाना लैंड से टूट के आया है, ये आज से 70 मिलियन ईयर वो ये यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे ये ऊपर को हमारी यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराया है, और आज हमारा प्रेजेंट डे का ये हमारा इंडिया, यहाँ पे हमारे फोल्ड माउंटेन बने हैं, हिमालय माउंटेन। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं जो इस थ्योरी को, कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करने में हेल्पफुल हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।